और यूपी के साथ भी खड़ा रहेगा। हमेशा किसी भी मुसीबत में कहीं पे भी पंजाब हमेशा यूपी के साथ खड़ा मिलेगा। जैसे हरियाणा के साथ भाई का रिश्ता था, आज यूपी के साथ भी भाई का रिश्ता आज पंजाब की बेटी जोड़ के जाती है। मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा रिश्ता यूपी के साथ जन्मभूमि के तौर पे भी है। चाहे मैं पैदा यहाँ पे हुई हूँ, पली बड़ी पंजाब में हूँ, तो एक खून का रिश्ता मेरा यूपी वालों के साथ में भी है, मेरे भाइयों के साथ, मेरी माताओं के साथ, मेरे बाप दादा के साथ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो जो इन्होंने बताया कि मेरे पिता सरदार प्रदीप सिंह मान कृषि किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, नौजवान भारत सभा के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगा दी। जब वो कॉमरेड थे, वो उनको बेटी चाहिए थी, वो आज नहीं है मेरे साथ, बट उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुझे, उसमें लिखा था, बहुत बड़ी होगी समझ लगेगी, मैं किस जंग में लगा पड़ा हूँ, लोगों को, समाज को सुधारने के लिए, समाज को नहीं पहचान देने के लिए। तो उसमें लिखा था, टिकैत जी आ गए हमारे बीच में, जिनका बहुत देर से इंतजार हो रहा था। तो उसमें लिखा था कि तुम हमेशा अपने बुजुर्गों का, अपने किसानों का साथ देना और हमेशा उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करना, ना हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, सबसे ऊपर उठ के इंसान बनने की कोशिश करना। इंसानियत के ऊपर कुछ नहीं है। बट आज जब हम यूपी में आके देखते हैं, योगी की सरकार में सिर्फ, जबकि भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, पर योगी जी के राज के नीचे इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। मुजफ्फरनगर में दंगे फसाद किए जाते हैं, गुजरात में दंगे फसाद किए जाते हैं, क्योंकि ये आरएसएस का काम है, दंगे फसाद करवाना धर्म के नाम पे। मैं चाहती हूँ कि पहले सब लोग बैठ जाए तो तभी मैं बोलूंगी। सारे किसान भाइयों को से निवेदन है, प्लीज व्यवस्था बना रखें, थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें। अगर आप लोगों की व्यवस्था खराब करोगे तो हमारे वक्ता कैसे बढ़ पाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से बैठ जाइए। टिकैत साहब, माननीय श्री टिकैत साहब मंच पर ही आएंगे, आप लोग सब लोग उनको यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से वह संबोधित करेंगे आप सब लोगों को। सो आराम से प्यार से बैठ करके बहन हमारी बड़े अच्छे अपने विचार आपके सामने रख रही है, उनके विचार सुनिए। हुलड़बाजी करनी नहीं है, बड़े तरीके शांतमई तरीके महासभा जी करा रहे हैं, इन सिरे चढ़ा है। वॉलंटियर के चरणों में बेनती है मेरे वीरों, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन सभी राकेश के, सभी राकेश के, सभी राकेश के में आप संघर्ष करो, चौधरी राकेश के में आप संघर्ष करो, किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, राकेश के, राकेश के, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। आप सबके बीच में आज किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि, भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान मोर्चा के नेता माननीय राकेश भाई पहले दादा महावीर आ गए हैं। आप सारे लोग भाई, लेडीज लेडीज की तरफ कोई ना है भाई, व्यवस्था बना रखो भाई लोगों, बैठ जाओ यार, सारे समझदार मेरे वीर यार,
सारे समयदार हुए सम्मेलन मेरे साथियों किसान भाइयों अपनी अपनी व्यवस्था को देखते हुए सारे लोग बैठ जाओ और माताओं बहनों से थोड़ी दूरी बनाकर आराम से बैठो। तभी हम तब से कह रहे थे बैठ लो अपनी अपनी जगह ले लो, पर तब आपको बहुत धूम लग रही थी। अब अपनी अपनी जगह ले लो, पंजाब में बैठ जाओ। साथियों राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं। अब किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत।